जय श्री राम, जय बालाजी की। आज फिर हम इटावा पहुँचे हैं, इटावा बालाजी गांव जो पड़ता है हमारे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। इटावा बालाजी यहाँ सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर दूर है। और फिर आज कल हम यहाँ से रेस्क्यू करके लेके गए थे एक नाग को भरतलाल जी मीणा जी के से, और आज हम फिर पहुँचे हैं शांतिलाल जी मीणा जी के फार्म हाउस पे। काफ़ी बढ़िया इलाका है, अमरूदों का बाग है इनका। और अब फिर हम पहुँचे हैं यहाँ पर और रेस्क्यू करेंगे नाग को। नाग बताया जा रहा है, अभी हमने देखा नहीं है, जाके देखते हैं कैसा नाग है, कौन सा नाग है, कितना बड़ा नाग है, और आपको भी दिखाते हैं। चलते हैं, इसी से बनाएंगे। ये बॉय बिल है, यहाँ से हमको नाग रेस्क्यू करना है। और ये सब इसके साक्षी हैं। और ये शांतिलाल जी का फार्म हाउस है, इस फार्म हाउस से हम नाग रेस्क्यू करने आए हैं। वो तो गेट रहोगे, गेट ही चला रहे हैं, दिखेंगे इसमें गेट चल रही चलवा रहे हैं। और कल से गेट ही चल, गेट ही फौरे चलवा रहे हैं, कल से ईटो उठवा रहे हैं, गेट ही चलवा रहे हैं कल से। बस अपन को पकड़ोगे, अरे कंगया टाइम पास करवाया, ले लो रोड ले लो, कौन सा कोबरा ही स्पेक्टिकल कोबरा। आप लोग दूर हो जाओ, बिल्कुल निकल गया निकल गया, उल्टा पलट के आ जा, खा जा यार। आगे आगे चलते हैं, दोनों 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 बाहर है। समीर तू पाइप पकड़, अरे इसका मुंडा देखो, मुंडा बहुत मूवी खाने की कोशिश कर रहा साला। तुम सब देखना आराम से, सब पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, छोड़ो पाइप तोड़ दे, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। अल्लाह नहीं बेटा, मेरे को खा जाएगा ये, अल्लाह नहीं होते नहीं, ये मेरे को खा जाएगा। घबरा दिया साले में, फर्स्ट में इधर कहा था तो मुझे निकालता हूं, नीचे का ही लागी से का ही लागी। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा साहब, बहुत ही शानदार शॉप है, बहुत ही सुंदर। अरे बैग कहां है, रेल गया बैग उधर है, देना निकाल के ला, बदल ले बदल। नागनी दिख रही है, नहीं नागिन नहीं, नाग है, नागनी नागनी खड़े से नागनी किसी हो से जो चश्मा कौन से में देख, तो पर देर में निकले थे व्हाइट कलर का आगे मोटर कह रहा हूँ पकड़ो, और भाग रहे दूर दूर देख देख रहे, नहीं नहीं टच करना फ्री कर देगा, जयपुर में नहीं पहुंचूंगा एक बार में। लो ये उठाएगा, फोन उठाएगा, लो दांत में दिखा दला कैसे मुकला रहा। सही बोलते हैं साहब, नाजा नाजा, और इसी के नाजा नाजा बोलते हैं भारतीय नाग साइंटिफिक नेम है, और इसी को भी बोलते हैं स्पेक्टिकल कोगरा, गेहूं वन भी बोलते हैं इसको, बहुत शानदार। नहीं है नागमणी जैसा कुछ भी नहीं होता।
ब्लैक वाला बैग कहाँ है? थेले में नहीं वो तो इसमें निशान है कुछ चोट वोट का कुछ इस पे देखना भी स्टिक पे जेल का जेल के ड्रॉप होंगे इस पे स्टिक पे और ये खा चलो खा चलो खा पांच मिनट लेके जा दूर ले लो तो खेल दो शानदार बहुत एग्रेसिव है साला बहुत शानदार बहुत देर से परेशान हो रहा है ये जेल है इसका जेल है ना आ गया ना डंडी पे भी आएगा स्टिक पे भी ये अब आएगा इस पे अच्छे से जेल इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा साहब और पूरे गुस्से में और पूरे रुवाव में है कुदरत की नायाब शक्ति बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया बहुत खूबसूरत है यार कल वाले खूबसूरती दिखाओ जी इसकी कल वाले लोग बाग आवेश में आके ऐसे जीवों को मार देते हैं जबकि ऐसे जीवों की दुनिया में बहुत कमी होती जा रही है दिनों दिन फोटो एक नंबर और इन्हीं जीव लोगों को ये मालूम नहीं है कि इन्हीं जीवों की वजह से कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां इनकी जहरों से ही बनती है पास मत लेके जा ज्यादा पास मत लेके जा हां देख अभी इस पे दे देगा भाई दे देगा भाई नहीं दे देख तो कर यार शानदार फिर दे दी भाई देख लो गाड़ा चौक खूब छोटा है ये भी इतना ज्यादा है ज्यादा एज नहीं है इसकी एज ज्यादा खींच के 5 साल इससे ऊपर नहीं है मोटाई साल भी नहीं है हेल्दी है सुंदर है एकदम अभी तार को प्रो मंच हेल्दी है डालो कौन है बहुत ज्यादा एक्टिव है तो गुस्से में क्या पबजी में वोट आगे दिखे तेरे यार नागराज शांत हम तो तेरे को बचाने हैं भाई इनको दांत को करना तेरे को बहुत अच्छी जगह पे छोड़ेंगे शानदार लट पड़ जाते नहीं तो हमने नाक लट पड़ जाते नहीं तो सुन जाते टॉप बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी साहब गांव के लोगों से कि ऐसे जीव जंतु अद्भुत जीव जंतु हैं इनको ना मारें गोरा श्याम ना मारे साहब इको सिस्टम में इनका होना इतना जरूरी है अगर इको सिस्टम में ये नहीं रहेंगे तो आप लोग किसान लोगों का ही पैदा किया हो जो धान है नाज है 70% चूहे बर्बाद कर देंगे क्योंकि साल में एक बार ही नागिन अंडे देती है तो उसमें से एक या दो ही विकसित होते हैं बाकी सब मारे जाते हैं चूहा है जो और एक महीने बाद तो उसके बच्चे खुद ही बच्चे देने लायक हो जाते हैं अगर ये नहीं हो तो चूहे इतनी हो जाए कि आप लोगों का पैदा किया हुआ ये तो बर्बाद कर देगा वो हमारा पड़ा खाने के लिए कुछ नहीं भूखा पड़ तो रहना पड़ेगा इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन यही रहेगा और मुझे टेलीफोन करें जैसे भाई साहब मुझे लेने गए साधन नहीं था देख लेना मैं तुरंत आऊंगा चाहे गोर रहो चाहे शाप हो चीज एक ही उसके पैर है इसके पैर नहीं है मेरा कहना तो यही है आपसे और YouTube पे मेरा चैनल है चैनल मैंने इसलिए बनाया है जिससे लोगों के पास मेरा वीडियो जाए और वीडियो के माध्यम से लोग समझे कि ये जीव अपने इकोसिस्टम में कितने जरूरी है नहीं ना कोई फोटो नहीं लेता है इसकी इसको केवल 25% ही दिखता है YouTube फोटो बाकी फोटो ले लेंगे ऐसा कुछ नहीं कलर ब्लाइंड होता है और शाम कभी दूध नहीं पीता साहब लोग बाग नाग पंचमी पे दूध पिलाते हैं तो दूध नहीं पीता जिस जीव के शरीर में एंजाइम नहीं है वो कैल्शियम नहीं पचा सकता इस जीव की जीव ही फटी हुई है फटी हुई जीव से कैसे दूध चूसेगा इसके शरीर में एंजाइम नहीं है इसलिए दूध नहीं पचा सकता दूध लोगों को पिला भी देते हैं तो कुछ
कुछ समय बाद ही उसको उल्टी होने लग जाती है, नमूनिया हो जाता है, सांप दो चार साल में मर जाता है। एक प्रकार का नरक, अलग अलग प्रकार जोड़े सांप के जोड़े। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जुड़ो का होत है ना। हां वाद दे वाद दे आओ छन दे वाद दे वाद और हां वाद जी पे डसा ले जो काय न हो घूम कर घर में छोड़ दे। जो किसी का मतलब मंदिर वंदिर में होगा वो सांप। अब मैं आपको उसके पीछे बताता हूँ, वो सांप एक सांप नहीं रहता, वो सांप तीन चार महीने में बदलते रहते हैं। इसके अगर आप जहर की जो होती है ना थैली, वो जहर की थैली भी निकाल दोगे ना तो जिंदा से दो महीने तीन महीने जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। ये वो जहर की थैली निकाल देते हैं, जब क्यों डसवाते हैं जीप पे, वो जहर की थैली निकाल लेते हैं उसकी। हाँ जहर की थैली तो इसमें यूं निकल जाती है, ऊपर हल्का चीरा दिया थैली बाहर आती है। ये डेढ़ से दो महीने मर जाएगा उसकी तो निकाल लोगे। जहर निकाल लेते हैं उसका, हो नहीं सकता। अरे निकल तो खून तो भाई साहब दांत जाएंगे अंदर तो खून तो निकलेगा ही, लेकिन जहर निकाल लेते हैं। वो तो देवता रूप से यार देलवार जी उनका कुत्ते साफ होता है, उनका कुत्ते साफ होता है। काफी हो गया यार, ये तो चपटाई। हाँ ये वाला सही है इनका। लो तो हम इसको पैक कर रहे हैं। अब इसको दूध रखो, चुनो ऐसा इसको दूध करो। मत करना तोड़ दे तुम। अरे शांत नहीं हुआ तो भाई साहब इसकी तली में नहीं दूसरा वो बात मानिए, पर आपको हुई पिंकी पे छड़ी पर उस खड़ो खड़ो ये कोला पत्ता बहुत है। अरे नहीं है जगह नहीं। अरे दो हम इसको पैक करते हैं, नहीं जाएगा जगह नहीं है उसमें निकलना। मैं बताया था भाई साहब इनका ऊंचा कर बस। शांति लाल जी के यहाँ से हमने नाग रेस्क्यू किया है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और हम इसको ले जा रहे हैं, पैक कर रहे हैं, और इसको रणथंभौर के जंगलों में रेंज कर दिया जाएगा। चलो भाई लेके जाओ। बन जाए नीचे गे नीचे तेला नीचे इसका जी इसका जहर है ना, अपन अगर इसको पी जाए ना तो इतना नुकसान जाएगा नहीं तो मतलब ब्लड से नुकसान जाएगा। पी जाए को पिला के देते हैं मतलब है। जाएगा 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 धीरे धीरे जाएगा। जगह भी नहीं है उसमें यार, जगह पत्थर बसाऊं मैं इसको। खूब जगह है यार ये तो, डाल लो उल्टा गया। बताया जो पैर में सुझा लिया अंदर ही तेल में से बाइट नहीं देता है, तो दूर रखना इसको यार। चलेंगे गाड़ी से गाड़ी खड़ी देखते है
पाँच दो लटक जाएगा उधर रहोगा उधर आओगे उधर रहूंगा ना ले भी आए तो उधर भी तो आओगे घुस गया क्या कोनाल ले छो इसको कर लिया है हमने अब इसको और इसको दूसरी रोड का जेब प्रूफ रहता है हां जेब प्रूफ कुछ भी नहीं है जींस का बैग है खा सकता है इसमें से चलो थोड़ी सेफ्टी से पकड़ना चाहिए वो एको थैला है ना पूरा थैला में तो रहा को? और दुनिया में हमारे लिए हमारे तरफ से एक ही शांति का पैगाम है कि खाओ पियो जियो और जीने दो और हमेशा एक दूसरे का साथ दें लोगों की मदद करें चाहे कंडीशन कैसी हो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और हम फिर से कहेंगे आज कल भी मैंने यही कहा था कि हमारे जो भारत सरकार है भारत देश में जो विपत्ति आई है कोरोना वायरस की हेलो तो भारत सरकार का साथ दें उनके गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखें समय समय पे हाथ धोएं दुकान पे जाने रिपेयर गाड़ी खराब होगी दूरियां बना के रखें सोशल डिस्टेंस बना के रखें स्कूटी के ऊपर मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजर का छिड़काव करते रहें और मालिक से दुआ यही करें हमेशा चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे वो चर्च हो ऊपर वाले से दुआ यही करें कि हमारे भारत देश से कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम सब मस्त रहें व्यस्त रहें स्वस्थ रहें इसी के साथ जय सिया राम जय बालाजी की जय हिंद जय भारत और गर्व से कहेंगे सब मिलकर वंदे मातरम जय सिया राम जय बालाजी की। आज हमने जो थोड़ी देर पहले ही इटावा से जो सांप रेस्क्यू किया था स्पेक्टिकल कोबरा इसको हम दामने रणथंभौर का एरिया है पूरा यहाँ छोड़ने आया रात हो गई है हमने 7:15 बजे करीबन इसको रिलीज किया था और अब इसको हम छोड़ रहे हैं बहुत ही शानदार और जानदार नाग है आप दर्शन कीजिए इसके बहुत ही बढ़िया दिखाओ जी इधर अंदर नीचे दिखाओ दिखेगा ही नहीं चल जाएगा खूब दिखेगा था अपने आप इसका जीवन व्यापन कर लेगा ये जाओ साहब इस नाग को रेस्क्यू करा इटावा से और इसको यहाँ रिलीज कर दिया है ये इसकी जीवन जिएगा और हमारा सबसे यही हाथ जोड़ के विनती यही रहती है हमारा चैनल इसलिए बनाया ये वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि इंसान और जानवर के बीच में जो दूरियां बढ़ चुकी है मारकाट की ये खत्म हो जीने का सारा ऊपर वाले ने सबको अधिकार दिया है और इसलिए इन जीवों की रक्षा करें संरक्षण दें इनको ना मारें क्योंकि पर्यावरण में इनका होना जरूरी है हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें ये जीवन इनका बहुत जरूरी है जीव जंतुओं का इसलिए हमारा एक ही रीजन रहता है कि इन जीव जंतुओं को कैसे बचाएं और सांप बचाने का जो हमारा प्रोग्राम है जो हमारा रीजन है जो हमारा सफर है वो जारी है और आगे भी जारी रहेगा इसी के साथ जय श्याम जय बालाजी की जय हिंद जय भारत और गर्व से कहेंगे हम सब मिलकर वंदे मातरम जय श्याम।